एक राज्य में एक राजा था जिसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली और आज्ञाकारी हाथी था, जिसने उस राजा की कई युद्धों में जीतने में मदद की थी। और वो हाथी जब भी युद्ध में जाता तो बिना जीते युद्ध से वापस नहीं आता, जिससे ये पता चलता है कि उस हाथी में कितनी शक्ति और कितनी बुद्धि रही होगी। पर धीरे धीरे समय बीतता गया और वो हाथी बूढ़ा होता गया, और एक समय ऐसा आया कि वो हाथी युद्ध के लायक ही ना बचा। इसलिए राजा उसे अब युद्ध में नहीं लेकर जाते थे, पर उसका पूरा ख्याल रखा जाता था। एक दिन वो हाथी पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया और पानी पीते समय उसका पैर कीचड़ में फंस गया, और धीरे धीरे वो हाथी जितना निकलने की कोशिश करता वो सरोवर में और भी धंसता ही चला गया। जब राजा को ये बात पता चली तो राजा अपने सैनिकों के साथ उस हाथी को निकालने के लिए पहुंचा। बहुत कोशिशों के बाद भी राजा उस हाथी को सरोवर से निकाल पाने में असमर्थ रहा। तब राजा के मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि हमारे राज्य में महात्मा बुद्ध का आगमन हुआ है, क्यों ना उनसे ही इस समस्या का हल पूछा जाए। राजा ने सोचा कि इस हाथी को निकालने में भला एक महात्मा हमारी क्या मदद कर सकता है, पर फिर भी मंत्री की बात मानते हुए राजा महात्मा बुद्ध के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। तब महात्मा बुद्ध ने उपाय बताया कि सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजाए जाएं, वो हाथी खुद ब खुद सरोवर से बाहर निकल आएगा। राजा को ये बात बड़ी ही बेतुकी लगी। उसने सोचा कि जब इतने सैनिक मिलकर उस हाथी को कीचड़ से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो भला युद्ध के नगाड़े बजाने से वो हाथी खुद ब खुद कैसे निकल आएगा। पर राजा के मंत्री ने कहा कि महाराज, महात्मा बुद्ध जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। और फिर राजा ने सरोवर के चारों ओर युद्ध के नगाड़े बजवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजने शुरू हुए, उस हाथी के शरीर में एक ऊर्जा का संचार हुआ और उसे अपने पुराने दिन याद आ गए, और धीरे धीरे उसे अपनी शक्ति का एहसास होने लगा। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वो हाथी खड़ा हुआ और उस सरोवर से खुद ब खुद बाहर निकल आया। ये देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि उस हाथी में शक्ति की कमी नहीं थी, बल्कि आवश्यकता बस उसके उत्साह को बढ़ाने की थी, और उस उत्साह के संचार के कारण ही वो हाथी खुद ब खुद उस सरोवर से बाहर निकल आया। अब इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है? तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि कई बार हमारे अंदर कुछ शक्तियां छुपी होती हैं, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते। हम ये सोचते हैं कि हम कमजोर हैं, हम किसी काम के लायक नहीं हैं। पर जब हमारे अंदर उत्साह का संचार होता है तब आपको आपकी असली काबिलियत का अंदाजा लगता है। इसलिए जब भी आप जीवन में हताश हो तो अपने अंदर उत्साह भरिए और देखिएगा आपकी शक्ति आपको फिर से वापस मिल जाएगी। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको भी जीवन जीने की एक नई दिशा मिली है तो लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दें, ताकि ये सीख उन्हें भी मिल सके। आप बुद्ध की इंस्पिरेशनल स्टोरीज की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपको उस प्लेलिस्ट में बहुत ही बेहतरीन और जीवन को बदल देने वाली कहानियां मिलेंगी, जो आपको ऊपर आ रहे आई बटन में मिल जाएगी, और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहां से भी जाकर इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही जीवन को बदल देने वाली वीडियोस आप रोज देख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच।